काम, हाँ बदमाश है, हैवी हो रहा है काम पर। अच्छा, हाँ ना जी, मेरी सास यहीं पे सोया कर दी। हाँ, तीन दिन हो गए। मैं प्रधानमंत्री तक जाऊंगी अपने पति को न्याय दिलवाने के लिए। क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं करा मेरे सीआई से? क्या लगा जी कुलदीप की साली है जी, मैं इसकी बहन। अच्छा, बहन हो तुम? हाँ जी। आपको कब पता? उसी टाइम दिन में ही पता लग गया था आपको? हाँ, हाँ जी, हमारे पास भी फोन गया था हमारे घर वालों का, उन्हीं को पता ही। कैसे कत्ती प्रशासन से ही हाथ जोड़ कर हमारी गुजारिश है, उनको फांसी की सजा हो, न्याय दिलाना चाहिए। इसे इसे गुंडे तो हमारे जिसी और भी बहन है गाँव में, उनके साथ व्यवसाय होगा, और तो फिर ये नारी कहाँ तक आगे बढ़ेंगी? इनके तो गोडे यहीं पर टूट जाएंगे ना। हाँ तो जी, बस यही है, उनने फांसी की सजा जैसे मेरे जीजा जी के साथ किया उनने, हाँ, और तो उनके साथ भी ईसा है उस तब बुद्ध का हुआ जी। प्रशासन से ये है, ये प्रशासन कार्रवाई करेगा तो ठीक है जी, ना मांग तक जाओगे। वो तो जी मर मर के पैसे ले हुआ है, उसकी माँ चुटा ले, हम गरीब आदमी कहाँ से क्या करे? इसका एक 7 साल का लड़का कैसे ले हुआ? हाँ, उसकी वो तो कई बार गाँव, हाँ बदमाश हैवी हो रहा है गाँव पर। हाँ, इनकी तो बोला चाली भी नहीं थी जी, नहीं वो समझते ना ये जानते, इनके परिवार की किसी की भी रंजिश नहीं जी, पिछली पीढ़ी तक भी किसी के साथ रंजिश हो भाई, उसने जैसे सुपारी दे दिया अगर मारने के लिए। कोई तो कह रहा है, मैं क्या बताऊं, है उसने 2-3 भी ले पहले भी उसके पैर पूर तोड़ दिए थे इनके, कोई कुनबे का बता रहे हैं। उसने उसी आरोपी ने, प्रदीप ने, प्रदीप ने नहीं, उसने जो कोई और है साथ में दूसरा राहुल, हाँ राहुल नाम बता रहे जिस, वो भी सही है। हाँ, वो मैन आरोपी है, उसने वो फरार है, उसने कबूल भी कराया मैंने मारा है, और कई बार वारदात कर चुका, गांव पे हैवी हो चुका है, और उसकी माँ उसके साथ है, मिली हुई है। मेन आरोपी आप कुलदीप को बता रहे हो, और उसकी जो बात हुई थी फोन पे वो प्रदीप, वो प्रदीप है जी। फिर इनकी साजिश है ना जी, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए जी। कोई मनोज कुलदीप के उसने बिठा के ले गया, पता नहीं जी, फोन निकलवाओ, उसका फोन ढूंढा पुलिस, अभी उसने बुलाया है, क्या है, के बात है, के नहीं, कार्रवाई तो करनी चाहिए जी। फोन उसको बिठा के साजिश, मेरे को न्याय चाहिए जी, मेरे को न्याय दिलवाओ। 7 साल का इसका लड़का जी, एक सास है जी, परिवार का जी, मैं उसकी बहन हूँ जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, क्या सारा काम चल लगा जी, वही था जी मारो कमाणी। हाँ जी, दो बाण है दो भाई। अच्छा। जी क्या सारा काम चल लगा जी? हाँ जी, वो गांव में रहे जी, आड़े वो अकेले ही रहा था जी, रहा सारा परिवार उड़े रहे है। अच्छा। इब जी क्या सर काम चला, हमारा भी वही काम चला रहा था, मेरी माँ भी दवा लुगाई जी। अच्छा। भाभी क्या सर काम चलाओगी? देखो जी, कुलदीप यहाँ गया था फोन पे बात करते करते, उसके बाद आप अकेले, आपका बेटा आप दो ही थे? हाँ, ना जी, मेरी सास यहीं पे सोया कर दी। अच्छा। फिर वह उस दिन गांव में सो गई थी, मैं बाहर वहाँ अपने घर पे जा रही थी, मेरी दुरानी। हाँ, तो उस टाइम उस दिन वो ना तो मेरे पास ही सोया कर दिया, उस दिन वह सो गई थी, गांव में थी वह, मैं मेरा बेटा घर पर अकेले ही थे जी। हमने किस तरिया का कोई डरे नहीं जी, हम तो अकेले भी सो जा करते, पहले गाड़ी गुड्डी भी चला करता सासू बूर, वो मेरा लड़का, हम तो अकेले ही सो जा। ईसा कुछ होता तो जी डरो, डरो मेरा ही नहीं था भाई, ईसा भी कुछ हो सके है, किसी एक गलत दुश्मनी नहीं। बिल्कुल, 3 दिन हो गए हैं जी, उसने इसी हत्या हो रही है गांव के कुंजी सुनसान जगह पर हत्या करी गई है, किसी को पता नहीं है, गांव के बीच उसकी हत्या हो रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। क्या पुलिस पैसे किए है, पैसे खा के ऐसे बैठ जाएगी? 10 बजे की आप 10 बजे यहाँ से घर से गए हैं, हाँ, घटना का कुछ पता लगे सीसीटीवी कैमरे तो देखो टाइम चलता है, एक सेकंड टाइम बता, हाँ, दो दा का ऐसा टाइम बता रहे जी, पुलिस को कैमरे चेक किए, सबूत मिल रहा है पुलिस को, फोन की लोकेशन गांव में मैं दिखा रहा अभी फोन, फिर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, उसकी माँ को उठाओ जो साथ दे रही है अपराधी का, उसकी माँ को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही पुलिस? एक तो प्रदीप बताया अपने, कुलदीप बताया, इनमें से एक को तो पकड़ रखा होगा। कुलदीप तो मेरा हस्बैंड है जी, नहीं सॉरी, वो दूसरा एक और बताया था, वो राहुल, हाँ हाँ वो राहुल है जो ना जी, उसके भैया को उठा रखा है, वो फरार है। प्रदीप को भी नहीं, प्रदीप को पता नहीं जी उठा रखा, कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। हाँ, 3 दिन हो गए। तो भाई ये खाकी के ऊपर सवाल है, सीधा सवाल है, पीड़ित पत्नी है जो, वो बार बार इंसाफ की गुहार लगा रही है, और प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या आप पैसे लेकर के चुप बैठ गए हैं?
जिसका परिवार उजड़ गया है, जिसका पति आज इस दुनिया में नहीं है, उसको इतनी इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है और प्रशासन सो रहा है, तो जो पत्नी है बार बार परिवार है, कुलदीप की बहन भी आज जो कैमरे पर आई है, उनकी भी बार बार एक ही गुहार है प्रशासन से कि उनको इंसाफ चाहिए। क्या ऐसे पत्नी ऐसे ही विधवा होती रहेंगी? आप लगातार देखते हो हरियाणा, बार बार मैं वीडियो के अंदर कहता हूँ कि हरियाणा जो जंगल राज हो चुका है, आज कोई भी ना कोई महिला इसमें सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित हैं। पीछे आपने देखा कि एक गांव में, जींद के पास गांव था, एक कोच की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वो उसको भी इसी तरीके से फ़ोन करके पहले बुलाया जाता है, जब वो चला जाता है फिर उसको जो है गड्ढांसों से तलवारों से काट दिया जाता है। और उसी प्रकार की घटना जो है यहाँ पुट्ठी गांव में, पहले फ़ोन करके बुलाया जाता है और उसके बाद जो है उसकी इस तरह बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हरियाणा फिर कहूँगा कि जंगल राज हो चुका है, खाकी के ऊपर बार बार सवालिया निशान है। सवाल पीड़ित किससे सवाल करेगा? प्रशासन से करेगा। प्रशासन इनकी बात नहीं सुन रहा है, बस खाना पूर्ति कर रहे हैं कि कार्रवाई हम कर रहे हैं। क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं? आरोपी हैं जो वो गिरफ्तारी से बाहर हैं और पीड़ित है जो वो बार बार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आप लास्ट बार प्रशासन से कब मिले? मैं प्रशासन मेरे घर पे आया ही नहीं है जी, कार्रवाई नहीं कर रहा। आपसे बातचीत करने के लिए आपकी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं आया। मेरी सीआई से मांग है जी, प्रशासन से, सीआई पूरी तरह से जांच पड़ताल करे, पुलिस पर कार्रवाई नहीं कर रही। मतलब राजनीतिक है या कोई बड़े घराने से, किस प्रकार से, मतलब कि पता नहीं जी, कोई लिंक हो तो पता चले, तो जानते नहीं, जानते नहीं है तो जी। गांव में तो जो बात आवे जी, उसने ऐसे ऐसे उसको मार दिया, उसको वो कर दिया, वो घटना होने का मतलब बाद अब सुनता है भाई, वो तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो जी क्या पुलिस पैसे खा के चुप बैठे रहेगी? हमारे गरीब आदमियों का कुछ नहीं है, ऐसे ही मरती रहेगी गरीब आदमी की, ऐसे विधवा होती रहेंगी है। प्रशासन तो चुप हो गया, उन्हें तो पीछे दे दिए, प्रशासन चुप बैठ गया, क्यों बैठे आप मेरी सीआई भाई? प्रशासन देखो, इनका आरोप है कि प्रशासन को पैसे मिल गए होंगे, लेकिन इनको पति कैसे मिलेगा? उस बेटे, छोटे बेटे 7 साल का जो बेटा है, वो अपना पापा कहाँ से मिलेगा उसको? ये परिवार आज देखो, वो बेटा है जो अनाथ हो गया है और ये पत्नी जो है कुलदीप की, ये विधवा हो गई है, उनके पति का जो सिर पे से साया उठ गया है, आज पूरी तरह से मतलब ये एक कहते हैं ना, उजड़ गए हैं ये। जब सर पे पति का हाथ होता है, पति सब कुछ करता है उनका, देखो अकेले यहाँ पर रहते थे और आज पति जो है उनका इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई और बार बार जो है पत्नी इनकी प्रशासन से गुहार लगा रही है और उनके ऊपर सवालिया निशान भी कर रही है कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप इनके घर पर आकर के? आपकी मतलब आपके बयान हुए हैं कुछ? बिल्कुल नहीं, पुलिस मेरे घर तक नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्या पुलिस पैसा का कैसे चुप रहोगी? मैं प्रधानमंत्री तक जाऊंगी अपने पति को न्याय दिलवाने के लिए। क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा? मेरी सीआई से मांग है पूरी तरह से कार्रवाई की जाए। भाई पत्नी की आंखें जो सूज चुकी हैं रो रो करके, बोलने के लिए सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मुझे तो इंसाफ चाहिए। इसके पति की हत्या हुई है, देखो पति, पति परमेश्वर, पति भगवान होता है, वो सब कुछ इनका करते हैं, लेकिन आज वो इनके, इनका साया है जो इनके सर पे नहीं रहा है, और रोने के सिवा बचा भी क्या है? प्रशासन से बार बार गुहार लगा रही है और उनके ऊपर सवालिया निशान फिर बनते हैं कि उस कुलदीप को इंसाफ कब तक मिल पाएगा। तो इन सवालों पर हम छोड़ कर जा रहे हैं आपको भाई, कि कुलदीप को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी इंक्वायरी निष्पक्ष होनी चाहिए, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुट्ठी गांव के जो भी इस मामले से जुड़े हों तो वो भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। जय हिंद, वंदे मातरम।